हेलो एवरीवन, मैं आपके टीचर नवीन सिंह। तो आज हम आए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो इसमें हम देखेंगे पेन टूल गाइडलाइंस। तो जैसे कि हमने पिछले अपने वीडियो में एक पेंगुइन बनाया था और एक हनी बी बनाई थी, तो आज मैं कुछ गाइडलाइंस लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो चले आए बिना देर के हम वो देखते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इंटरफेस मेरा, यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स रखी हुई हैं। जैसे कि ओपन पाथ है, इस ओपन पाथ में ये होता है कि मुझसे ये ओपन रहता है, मुझसे किसी चीज़ के साथ ज्वाइन नहीं होता। और जैसे हमारा ये क्लोज पाथ शेप है तो ये बिल्कुल ही क्लोज है, और ये 45 डिग्री पे मैंने रोटेट किया हुआ इसको। चले आए हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट पे ज्वाइन करूँगा, देन मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिले। मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, तो ये देखें अब ये जो पार्ट है ये हमें रिलीज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट एस्केप प्रेस कर दूँ तो ये हमारी एक शेप बन गई। तो अब हम आएंगे क्लोज पाथ शेप पर, यहाँ ज्वाइन करूँगा तो ये देखें ये भी एक सिंपली एक शेप बन गई। अब ये चाहिए हमें 45 डिग्री, तो इस वाले को हमने 45 डिग्री में रोटेट कर दिया। तो चले हम देखते हैं किस तरह मैंने इसको किया। शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा मैं अपना। अच्छा अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं जैसे ही अपना एरो इधर लेके आऊँगा तो रोटेट का ऑप्शन दे देगा। मैं जस्ट यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके अभी इसको नीचे ले आऊँगा तो खुद ही स्ट्रेट कर देगा इसको। तो आप ये शेप देख रहे होंगे कि ये सेम शेप है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ और इसके पॉइंट से यहीं से इसको रोटेट करूँ शिफ्ट प्रेस करके तो 45 डिग्री में। ये थी हमारी कुछ पेन टूल गाइड। तो हम नेक्स्ट अपने देखते हैं, अब ये कुछ और गाइडलाइंस हैं। सिंगल कर्व है, उसके बाद कंटिन्यूस कर्व्स हैं, 45 डिग्री कर्व, 45 डिग्री कर्व। तो इनको हम कहते हैं बेजियर कर्व्स। मैं अपने इस पे आऊँगा गाइड पे, यहाँ पर मैं अपना जो क्लिक है लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखूँगा, होल्ड करके रखा हुआ शिफ्ट को। मैं यहाँ से ऊपर को आऊँगा, अपना एरो मैं ऊपर ले गया हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको आके रिलीज कर दिया, दोनों को छोड़ दिया, शिफ्ट को भी और लेफ्ट क्लिक को भी। उसके बाद यहाँ आऊँगा, देन अपना एरो मैं नीचे को लेके जाऊँगा। ये देखें शेप सेम बन गई। देन कंटिन्यूस कर्व, कंटिन्यूस कर्व में क्या होगा, सेम प्रोसेस। तो ये देखें कंटिन्यूस कर्व भी बन गया। देन मेरे पास आता 45 डिग्री, मैं यहाँ शिफ्ट प्रेस करते हुए इधर क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस किया तो यहाँ पर जाके रिलीज कर दिया। देन मैं यहाँ पर जाके इसको ज्वाइन करूँगा, देन मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और ये देखें ये मेरे पास शेप बन गई। तो ये हमारी 45 डिग्री की कर्व थी। तो अब हम नेक्स्ट देखें, तो हम नेक्स्ट कर रहे हैं, इसमें आ जाते हैं ब्रेकिंग पार्ट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ज्वाइन करूँगा, देन अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूँगा और इन दो लाइन्स को आगे खींचूँगा शिफ्ट प्रेस करते हुए, यहाँ जाके छोड़ दूँगा। अब मैं यहाँ पर जाके क्लिक करूँगा, शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है मैंने यहाँ पर और अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ, मैं यहाँ जाऊँगा। अब ये वाली साइड सेम नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा, ये हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ऑप्शन आ गया। जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया अब मैं यहाँ पर जाके इसको नीचे रख दूँगा, देन ये वाली शेप उठा के इसको जस्ट इस तरह, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे हमने पिछली बार डुप्लीकेट्स किए थे, कॉपीज ली थी, तो अब दोबारा इसकी फिर से हम कॉपी कर। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स शेप्स। तो इसमें हम एक स्क्विरल को ट्रेस करेंगे, जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। We'll be right back.
तो ये देखें कि हमने एक शेप क्रिएट कर ली ट्रेसिंग करते हुए, तो अब आपने भी इसी तरह इसको ट्रेस करना है। बाकी ये कि और भी कुछ ना कुछ आप इसको ट्रेसिंग करते रहें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें, तभी जाके पेन टूल आप लोगों की ग्रिप बनेगी, वरना पेन टूल पे जल्दी ग्रिप नहीं बनती। बट आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों का हाथ इसके ऊपर और ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।